आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट G, ठीक है, राइट एंगल एट Q, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे राइट एंगल एट Q, ठीक है, इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री पे यहाँ पे क्यू पे, एंड इफ़ द स्मॉलेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, ये जो सबसे छोटी साइड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। तो हमें अदर टू साइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, और उस बेस से जो हाइट ड्रॉ हुई है उस हाइट की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बेस, इज हमने बेस यहाँ पे कितना लिया, 8 सेंटीमीटर का ये वाला, और उससे जो हाइट खींची है वो ये वाली हाइट है, ठीक है। इसकी हाइट ले लेते हैं एच, ठीक है, 1/2 बेस 8 मल्टीप्लाई एच, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एच की जो लेंथ है वो आ जाएगी यहाँ पे 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, एंड एच की आ जाएगी 60/4, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से कट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो बचेगा 1 सेंटीमीटर। तो हाइट आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ की हमारी आ गई साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी हमें निकाल, तो दूसरी साइड कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल एट क्यू है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। इसमें हाइपोटेन्यूस क्या ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अदर टू स्क्वायर साइड सम, ठीक है, दूसरे साइड का स्क्वायर का सम हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनका साइड का सम करेंगे, क्यू आर कितना होगा 15 स्क्वायर, क्यू पी कितना 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64 प्लस में 225, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 + 4 = 9, 8, 2, तो ये होगी आपकी वैल्यू 289। अब हमारे पास है पी आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 289, ठीक है। अब 289 का स्क्वेयर कितना होता है, 17 मल्टीप्लाई 17 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 × 7 = 49, 9 × 4 = 7, 1 × 7 = 4 = 11, मल्टीप्लाई 7 × 7 = 1 तो आ जाएगा 9, 8 and 2, 289, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने दोनों साइड का सम निकाल लिया, इसका सम आ गया आपका 17 और उसका आ गया 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।